स्वच्छ कार संघ ने मेयर को सौंपा ज्ञापन। अखिल भारतीय वाल्मीकि युवा संघ एवं उत्तरांचल स्वच्छ कार संघ के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से आज नगर निगम की महापौर उषा चौधरी से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर अविलंब कार्रवाई किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो भविष्य के परिणाम गंभीर होंगे। अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नवयुवक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु गौरव ने नगर निगम की महापौर उषा चौधरी के समक्ष अपनी बात रखते हुए कहा कि बीते 4 मार्च को उनके द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया गया था, लेकिन उस ज्ञापन को निगम के अधिकारियों द्वारा गंभीरता से नहीं लिया गया। निगम की इस कार्यशैली पर हिमांशु गौरव ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों को अब भी नहीं माना जाता है तो दोनों संगठनों के पदाधिकारी तमाम कर्मचारियों के साथ आंदोलन को बाध्य होंगे। हिमांशु गौरव ने आज एक बार फिर से कर्मचारियों का पक्ष रखते हुए कहा कि सीमित कर्मचारियों एवं ठेका कर्मचारी के सप्ताह में अवकाश देने, महिला कर्मचारियों से गीली मिट्टी नहीं उठाने जाने, सीमित कर्मचारियों का रुका हुआ अरियर दिलाने, नगर सफाई कर्मचारी को वर्दी दिलाने, ठेका प्रथा खत्म करने के साथ ही नगर निगम द्वारा सफाई कर्मचारी की नियुक्ति किए जाने के अलावा प्राथमिकता ठेके कर्मचारियों को दिए जाए। इसके साथ ही सर्वे के आधार पर गरीब परिवारों को नगर निगम द्वारा समिति में रखा जाए, सफाई कर्मचारियों का बीमा कराया जाए। उन्होंने कहा कि यदि निगम प्रशासन ने उनकी मांगों को अविलंब नहीं माना तो कर्मचारियों के संगठन के पदाधिकारी धरना प्रदर्शन को बाध्य होंगे। नवभारत समाचार काशीपुर से अनिल कुमार गुरु की रिपोर्ट। मैं सफाई कार्य में ठेका प्रथा से पूरा वाल्मीकि समाज का युवा जो है उसका भविष्य अंधकार में है। इसको दृष्टिगत देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी के प्रदेश नेतृत्व द्वारा काफ़ी टाइम से लगभग 3 साल से प्रदेश सरकार से अपनी 11 सूत्री मांग पत्र पर मांग की जा रही है, और जिसमें प्रमुख मांग हमारी ठेका प्रथा को समाप्त कर नियमित भर्ती खोलने की है, जिस पर कोई कार्यवाही न होने के कारण प्रदेश नेतृत्व ने यह निर्णय लिया कि अब हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, जिसके प्रथम चरण में आज हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। और सारे निकायों में 15 मार्च से जो ज्ञापन देने का कार्यक्रम चालू हो गया है, 5 अप्रैल से 8 अप्रैल तक 3 दिवसीय प्रत्येक निकाय में सांकेतिक धरने का कार्यक्रम किया जाएगा और ज्ञापन प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद 10 अप्रैल से 25 अप्रैल तक सफाई कर्मचारी अधिकार यात्रा पूरे प्रदेश में निकाली जाएगी और सफाई कर्मचारियों को जागरूक किया जाएगा इस ठेका प्रथा के होने वाले दुष्परिणामों के खिलाफ, और एक लामबंद आंदोलन जन आंदोलन तैयार किया जा रहा है। और 1 मई मजदूर दिवस के दिन, जिसे पूरा विश्व जो मजदूर दिवस के रूप में मनाता है, उस दिन हम सारे उत्तराखंड के सब सफाई कर्मचारी देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर ठेका प्रथा समाप्त करने और कर्मचारियों की समस्याओं के लिए पूरी बुलंद आवाज में हल्ला बोलेंगे। और उसके बाद 2 मई से संपूर्ण उत्तराखंड के अंदर अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो कार्य बहिष्कार कर दिया जाएगा। 2 मई